हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन में। साथ ही प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते हैं उनके भी आंसर करने वाला हूँ। तो साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, कल हमें लाइव आना था लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लाइव नहीं आ पाए। तो उसके लिए काफी सारे बच्चे वेट कर रहे थे, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, लेकिन उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि कल हम लाइव नहीं आ पाए टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। बहुत मन था कि हम आपके साथ शेयर हों, बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करनी थी। और सबसे पहली जो चीज है, सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि अब आपका जो परिवार है वो 25,000 का हो चुका है, यानी कि जो आपके सब्सक्राइबर हैं वो 25,000 हो चुके हैं। अपना प्यार इसी तरीके से बनाते रहिएगा, और मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि प्रतिदिन जो भी न्यूज होती है जैसे मैं अब तक देता आता हूँ, तो वो आपको इसी तरीके से देता रहूंगा। यानी कि प्रतिदिन आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो मिलेगी जो भी न्यूज होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखना है। आपको लगता है कि मैं आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाता हूँ, तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत सारे फ्रेंड सर्कल आपका ऐसा होता है कि उनको उसकी जरूरत होती है। कल एक किसी का कॉल आया मेरे पास, तो वो एलएलबी के बारे में पूछ रहे थे, और वो उसी के बारे में पूछ रहे थे जो मैं वीडियो लगातार बनाता हूँ, वो वीडियो के बारे में नहीं जानते थे। तो ना जाने ऐसे कितने छात्र होंगे। तो यदि आपको लगता है कि मैं वीडियो सही बनाता हूँ, आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाता हूँ, तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ साथियों, जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर 50,000 और 1,00,000 तक पहुँच जाएंगे, तो हम आपके लिए ऑफलाइन एक प्रोग्राम रखेंगे जिसमें आप सभी को आमंत्रित करेंगे। तो आप जितने जल्द से जल्द इनको पूरा कराते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है, तो इतनी जल्दी आपका फंक्शन ऑर्गेनाइज होगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो अपडेट है सीसीएस यूनिवर्सिटी की, उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पीजी के लिए पोर्टल ओपन हुआ है उसकी आज लास्ट डेट है, ऑफर लेटर डाउनलोड करने की भी आज लास्ट डेट है। और आपको जो ओपन ऑफर लेटर डाउनलोड करना है जिनके रजिस्ट्रेशन पहले हो चुके हैं वो भी आज अपना आज कर लें, क्योंकि जो आपकी एडमिशन की प्रक्रिया है वो कल और परसों यानी कि मंडे तक चलने वाली है, 18 तारीख तक चलने वाली है। 18 तारीख के बाद में जो आपके रजिस्ट्रेशन है पीजी के पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। उसके बाद में ना ही कोई ओपन मेरिट आएगी, ना ही कोई पोर्टल ओपन होगा, किसी भी तरीके की जो आपको एडमिशन के लिए छूट नहीं दी जाएगी। तो यदि आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज आप अपना रजिस्ट्रेशन करके, यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करके जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं जिस कॉलेज में उसमें सबमिट करा दीजिए, क्योंकि इसके बाद में आपको पीजी के लिए एडमिशन के लिए मौका नहीं मिलने वाला है। अब दूसरा, अब यहाँ पर बात करते हैं जो हमारा एमएमएच कॉलेज में एडमिशन हुए थे एलएलबी को लेकर, तो जो एडमिशन कैंसिल हुए हैं लगभग 220 एडमिशन कैंसिल हुए हैं, तो उसको लेकर हालांकि आज जो कॉलेज पर बच्चे गए हैं लेकिन उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, क्योंकि बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का जो अप्रूवल लेटर है वो नहीं आया है। तो इस कारण से जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। अब बच्चों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या ये है कि गाजियाबाद में कोई और गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है जिसमें फीस कम है, तो जो बच्चे फीस कम के लिए सर्च कर रहे थे एमएमएच कॉलेज में जिन्होंने डाला हुआ था, उन बच्चों के लिए थोड़ा सा परेशानी की बात है कि अब उनको फाइनेंशियल कॉलेज यानी कि जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है उनकी तरफ जाना पड़ेगा। अब इससे आगे एक बच्चे का क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा था कि सर हमारा जैसे एलएलबी में था, एलएलबी में हमने एमएमएच कॉलेज में डाला था, लेकिन अब एलएलबी के लिए कोई और गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, क्या हम एमकॉम या एमए कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल आज अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, एमए या एमकॉम में एडमिशन ले सकते हो। अब इससे आगे बहुत ही महत्वपूर्ण, जिन बच्चों की परीक्षाएं छूट गई थी, जैसे कि आपका प्रैक्टिकल परीक्षाएं छूट गई थी, बीबीए, बीसीए, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीजेएमसी, जितने भी ये टेक्निकल कोर्स हैं या प्रोफेशनल कोर्स हैं जिनकी भी ये परीक्षाएं छूट गई थी, तो उनके जो प्रैक्टिकल हैं वो 18 तारीख को होने वाले हैं। डेट नोट कर लीजिएगा, 18 तारीख को उनके प्रैक्टिकल होने वाले हैं। और जो कोर्सेज हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन सब कोर्सेज के जो प्रैक्टिकल हैं आपके वो 18 तारीख को हैं। तो यदि आपका भी प्रैक्टिकल छूटा हुआ है तो आप अपना 18 तारीख को प्रैक्टिकल दे सकते हैं। और जिन बच्चों के प्रैक्टिकल छूटे हुए हैं तो आप अपने स्टेटस पर लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। तो इसीलिए मैंने सपोर्ट के लिए चैनल बनाया हुआ है, तो आप भी इसके मेरी सपोर्ट में आए और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इससे आगे बात करें, जो हमारे फाइनल ईयर में जिनकी बैक लग गई थी या जो कोविड के कारण अपने एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो उनका मैं पहले ही बता चुका हूं, आपको फिर से बता देता हूं, उनके जो एग्जाम है वो 25 तारीख से हैं, यानी कि 25 जनवरी से उनके एग्जाम है, और उनके जो एग्जाम खत्म होने हैं वो आपके 15 मार्च तक खत्म होने हैं। तो इनके बीच में आपके जिस भी डेट में पेपर है वो आप देख सकते हैं, और जो टाइम शेड्यूल है, टाइम शेड्यूल वही रहने वाला है जो आपका कोविड में रहा था। तो आपका जो टाइम होगा वो वही रहेगा जो कोविड में रहा था, यानी कि जो 3 घंटे का पेपर है वो 2 घंटे का, और जो 2 घंटे का पेपर है वो 1.5 घंटे का
पेपर रहने वाला है। दूसरा, साथ के साथ बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर जो हमारे ऑड सेमेस्टर के एग्जाम होने हैं जो दिसंबर में होते थे, वो एग्जाम कब होंगे? तो ऑड सेमेस्टर के जो एग्जाम है, ऑड सेमेस्टर के एग्जाम आपके फरवरी में होने वाले हैं। उसके लिए जो एग्जाम फॉर्म है बहुत जल्द आने वाले हैं, हो सकता है इस वीक में, जो कमिंग वीक है इसमें आपके एग्जाम फॉर्म आ जाए। इसके साथ साथ जो हमारी ऑड सेमेस्टर की बैक भरी जानी है, वो बैक भी उन्हीं के साथ में फिल होंगी, यानी कि ऑड सेमेस्टर की जो बैक होंगी वो भी उन्हीं के साथ फिल होंगी, आप बैक अपनी भर सकते हैं। तो जो बच्चे ऑड सेमेस्टर की बैक भरना चाहते हैं वो भी अपनी बैक भर सकते हैं, नेक्स्ट वीक में फॉर्म आने वाले हैं। तो साथियों, यदि आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रहा हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।